पंडित ने साहस दिखाया तो साथ समाज ने भी दिया। मैं बोलती थी मैं डिटेक्टिव हूँ तो लोग हंसते थे मुझ पर, डिटेक्टिव बनना औरतों का काम ही नहीं है। तो किसी का काम करते करते मौत आती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको न्याय दी होगी में जो पुलिस नहीं कर सकती थी वो काम मैंने उनको करके दिया। आपके आसपास की ऐसी बेटियों के ऐसे प्रयासों को उत्साहित करने की है कोशिश हमारी है, साथ आपका चाहिए। मिलकर हम अंधेरों को मिटाएं तो कोई बात बने, एक नया सूरज निकालें तो कोई बात बने। हरियाणा के छोटे से गांव से राजपथ का सफर तय करने वाली संजा चौहान आज हमारे साथ स्टूडियो में है। राजपथ पर जब आप भारतीय नौसेना के दस्ते को लीड कर रही थी, कमांड कर रही थी, और वो बहुत खूबसूरती से आपने उस कमांड को जो दिया है, क्या महसूस कर रही थी जब आप देख रही थी कि अमेरिका के राष्ट्रपति बैठे हुए हैं, भारत के राष्ट्रपति हैं, भारत के प्रधानमंत्री हैं? मीना जी, इट्स इटसेल्फ ए वेरी प्राउड थिंग राजपथ पे मार्च करना। एक सोल्जर जब भी राजपथ पे मार्च करता है तो जो प्राइड एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको शोल्डर की गई है वो उसकी आंखों में आप देख सकते हैं। सो इट वाज वेरी प्राउड मोमेंट फॉर मी। अभी लास्ट मंथ मैं प्राइम मिनिस्टर सर से मिल के आई और उन्होंने सारा जाना कि मैंने कैसे किया, और उनकी तरफ से जितना रिस्पॉन्स मुझे मिला है वो मतलब ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स है। जब मैंने उनको बोला कि मैं आगे भी करना चाहूँगी और आपकी मदद चाहिएगी, तो इमिजिएटली दूसरे दिन उनके ऑफिस से मुझे फ़ोन आया कि आपको जो जो चाहिए आप एक प्रपोजल बना के भेजिए और हम डेफिनेटली आपको सपोर्ट करेंगे। एशिया की पहली ट्रेन ड्राइवर बनने का सपना देखा और उसे पूरा किया मुमताज काजी ने। मैं जैसे 8 में थी तो भी 10th वाले को भी पढ़ाती थी मैथ्स, ऐसा मेरा पहले से मैथ्स इतना अच्छा रहता था। मेरे पापा मुझे छोड़ने आए थे रिटर्न टेस्ट के लिए, सब जेंट्स कैंडिडेट आए थे और मैं अकेली लेडीज थी उधर। रेलवे में महिलाएं कैसे बढ़े, इसके लिए कभी रेलवे की तरफ से आपका उत्साह बढ़ाया गया? मेरे हिसाब से ऐसी कोई भी लड़की नहीं होगी जिसने डीसी में काम किया, एसी सेक्शन में काम किया और डीजल पे भी काम किया हो। वर्ल्ड में ऐसा कोई मिलना मुश्किल होगा मेरे हिसाब से। वर्ल्ड में ऐसा कोई नहीं है, तीनों डीजल प्लस डीसी प्लस एसी सेक्शन। हम गुजारिश कर रहे हैं देश की बेटियों से कि वो इस सच को समझे कि देखने वाला तेरा खूबसूरत आगाज देखेगा, तू हौसला रख कि जमाना तेरी परवाज देखेगा। दादी ने रात के अंधेरों को उजालों में बदला, मिट्टी की खुशबू से महकते बागपत को निशानेबाजी की कर्म भूमि बनाया। हमें लोगों ने इतनी हंसी उड़ाई बहुत ज्यादा कि बुढ़िया जाएंगी कारगिल में, मगर जाएंगे थोड़ी ट्रेनिंग करके जीव तो जाएंगे कारगिल में। एक साल खेलने के बाद आप दिल्ली कॉम्पिटिशन में आई? नहीं, मेडल तो पहले यूपी स्टेट भी ले लिया और इंटर स्कूल भी ले लिया, लेकिन यू स्पोर्ट पिस्टल में। अब आप तो बड़ी बड़ी प्रतियोगिताओं में जाती हैं, वहाँ पे सेना के जवान आते हैं, सेना के बड़े बड़े ऑफिसर आते हैं, आपने उन सबको भी हराया है? हाँ, हराया। इतना बड़ा शूटर था वो DIG, वो मेरी कैटेगरी में रुड़की तक बुलाया था, उसे हराया कि मैंने मेडल ले लिया। आप जग में पानी लेती 1 घंटे तक और क्या करते? हाथ ना हिले, हाथ को प्रैक्टिस करवाऊंगी। मिलेगी परिंदों को मंजिल, ये उनके पर बोलते हैं। रहते हैं कुछ लोग खामोश, लेकिन उनके हुनर बोलते हैं। दीपा मलिक, 36 साल तक घर में रहने वाली वो बेटी जो अब ओलंपिक में जाने की तैयारी कर रही है, पैरा ओलंपिक। सबसे पहले कितना बड़ा सपना, वर्ल्ड गेम्स हो गए, वर्ल्ड चैंपियनशिप हो गई, कॉमनवेल्थ हो गया, एशियन गेम्स हो गए, तो एक जिद है कि कम से कम एक ओलंपिक तो मैं अपने जीवन में खेलूं। इतनी परेशानियों के उस दौर से निकलकर आज सफलता के शिखर पर आप पहुंची हैं, कितना साथ परिवार ने दिया? अगर मैं ये कहूं कि परिवार ने साथ नहीं दिया तो बहुत गलत होगा। जब मैं यमुना नदी तैरने निकली थी या मैं पहाड़ों में गाड़ी चलाने निकली थी, बहुत लोगों ने कहा था ये पागल हो गई है, ये नहीं कर पाएगी। अभी भी मैं जब भी कभी अपनी ट्रेनिंग के लिए भी जाती हूँ, फिर 4 लोग मुझे पानी में उतारते हैं तो लोग जितने भी स्विमिंग पूल में उस पर स्विमिंग कर रहे होते हैं, वो रुक के और आंखें उनकी बाहर आई होती हैं कि ये क्या कर रही है। दीपा के साथ मिलकर हम भी व्यवस्था को बदलने का संकल्प लेते हैं, जिसमें आप गर्व से कह सकें अब के बरस मोहे बिटिया ही दीजो। क्या बनना था आपको, आई स्पेशलिस्ट, कैटरेक्ट के ऑपरेशन करने वाली देश की सबसे बड़ी सर्जन महिला के रूप में? अलग अलग डिपार्टमेंट्स में हमारी पोस्टिंग होती थी, जैसे कि मेडिसिन में, सर्जरी में, गायनेकोलॉजी में, तो मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि मुझे तो लेडी सर्जन ही बनना है, मुझे गायनेकोलॉजिस्ट ही बनना है। रागिनी जी, जो दूर दराज से गाँवों से लोग आते हैं अब आप पे भरोसा करने लगे हैं, यानी कि अगर आप थोड़ी सी मेहनत करते हैं तो समाज आपके साथ रहता है।
100% रहता है। एज एन आई सर्जन आँख इतनी छोटी चीज़ है और हम जो कैटरैक्ट सर्जरी करते हैं वो 2 मिलीमीटर के गैप में करते हैं, वहाँ मिस्टेक का कोई स्कोप ही नहीं है। अगर कोई सोचता है कि आज मैं रागिनी के जैसे 100 सर्जरीज करूँ तो वो एक दिन में तैयारी नहीं हो सकती है। मैं हमेशा कहती हूँ कि एक तपस्या है। तो हो के मायूस नयू शाम से ढलते रहिए, जिंदगी भोर है सूरज सा निकलते रहिए। एक ही पांव पे ठहरोगे तो थक जाओगे, धीरे धीरे ही सही राह पे चलते रहिए। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की भी काफिले की गाड़ी रोकी थी आपने? रोकी नहीं थी, चलान किया। बड़ा हंगामा मचा कि प्राइम मिनिस्टर हाउस की गाड़ी को चलान हो गया। तो सभी के लिए चलान होता है, आपका भी हो गया, क्या बड़ी बात। किरण जी, आप अपने संगठन के जरिए भी महिलाओं की आवाज बनती हैं, लेकिन आप उस दर्द को कैसे समझेंगे? एक जो रोकता है लड़की को कि तूने, तेरे ऊपर इन्वेस्टमेंट भी नहीं करने की ज्यादा जरूरत, कोई तो खर्चा है। और लेकिन मेरे जैसे माँ बाप उनको जीवन निर्माण के लिए सोचते थे, बेटी हो या बेटा, हमने बच्चे को जन्म दिया, अब हमने इसको लायक बनाना है। माई ग्रैंड फादर वॉज द रिचेस्ट मैन इन अमृतसर, लेकिन उन्होंने मेरे डैडी को कार नहीं दी, बग्गी नहीं दी, मेरे डैडी मुझे साइकिल पे छोड़ते थे। तो बेटियों पर भरोसा जताया जाए और उनके आने पर खुशियां मनाई जाएं, तो हर घर से कामयाबी की किरण निकल सकती है। बिहार के सामंती परिवेश में एक साधारण से किसान परिवार की बहू ने कैसे ये मुकाम हासिल किया, 300 से ज्यादा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कैसे आगे बढ़ी, जानते हैं खुद किसान चाची से। राजकुमारी देवी किसान चाची कैसे बनी? हम खेती की है तो उसमें माननीय मुख्यमंत्री 1,00,000 पुरस्कार दिए किसान श्री का। तो गांव समाज में हम खेती करते थे, अपना खेती करते थे, उन लोगों को किसान श्री कहने में नहीं बना, किसान चाची के नाम से हम प्रसिद्ध हो गए। तंबाकू की खेती बंद क्यों की आपने? नए खेती के प्रयोग कैसे सीखे आपने, कहां से सीखे? कृषि विज्ञान केंद्र से प्रिजर्वेशन का, मैंने अचार जैम जेली मुरब्बा सब बनाने के लिए प्रशिक्षण लिए, उषा यूनिवर्सिटी से लिए, सबर विश्वविद्यालय से लिए। पहले था पति सेवा धर्म नाथ, अब जो आ गया है जो पीढ़ी 20वीं शताब्दी, मैंने अभी 15 है, 15 मैंने है 20 के बाद पत्नी सेवा धर्म पुरुष हो गया। मैं मीना शर्मा आपको मिलवाऊंगी ऐसी बेटियों से जिन पर देश को नाज है। तो देखिए मेरे साथ सिर्फ फोकस न्यूज पर, अब के बरस मोहे बिटिया ही दीजिए। अपनी मंजिलें खुद तय करती हैं, अपने रास्ते भी खुद बनाती हैं, बस जरूरत एक भरोसे की है। देखिए मेरे साथ भरोसे को आगे बढ़ाती बेटियों की कहानी, अब के बरस मोहे बिटिया ही दीजो। इतिहास कहता है कि वेद पुराण की रचनाओं से लेकर शासकीय निपुणताओं में महिलाओं ने अद्भुत योगदान दिया है। अतीत के पन्ने बताते हैं दुनिया के हर हिस्से में बेटियों को देवी का सम्मान मिलता रहा है। फिर क्यों सीता को अग्नि परीक्षा, द्रौपदी का चीरहरण और कोख में कत्ल, न जाने कितने सवाल, लेकिन माकूल जवाब एक। ये तस्वीर एक तरफा है, हम आपको दूसरी तस्वीर दिखाएंगे, अंगूरों से कल्पवृक्ष बनती बेटियों से मिलवाएंगे। मीना शर्मा के साथ देखिए अब के बरस मोहे बिटिया ही दीजो।
नो सर, आप कांड